हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय टीज क्लासेस। आई होप आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे 10.2 द ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म, यानी किस तरीके से हिंदू धर्म जो है उसमें जो पुराणों की इंपॉर्टेंस है वो स्टार्ट होती है, पुराणिक हिंदुइज्म स्टार्ट होता है, वेद पुराण जो सब आपने सुने होंगे, तो वो कैसे चीजें जो है आगे बढ़ती हैं। तो अगर हम देखें बुद्धिज्म धर्म के बारे में हमने पढ़ा, तो यहाँ पे हमें दे रखी है कि भाई निर्वाण को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, जैसे किस तरीके से आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस जीवन से, कैसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ये सारी चीजें हमने देखी थी बुद्धिज्म धर्म में। तो ऐसे ही सेम कल्चर जो है वो डेवलप होता है हिंदू धर्म में भी। तो हिंदू धर्म में क्या है, यहाँ पे दो भगवानों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक होते हैं विष्णु भगवान, दूसरे होते हैं शिव भगवान। ठीक है, तो जिसको हम वैष्णविज्म और शैविज्म के नाम से जानेंगे, वैष्णविज्म में जो आपके मेन डायटी हैं वो है विष्णु, और जो शैविज्म धर्म में मेन डायटी हैं वो है आपके शिवा। तो यहाँ पे जो भी डिवोटी रहेगा, जो भी भक्त रहेगा, जब वो अपने भगवान से जुड़ेगा, अपने भगवान की उपासना करेगा, उसकी वर्शिप करेगा, पूजा करेगा, तो उस चीज को हम यहाँ पे भक्ति नाम देंगे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं, और यहाँ पे बात करेंगे वैष्णविज्म की। तो वैष्णविज्म में यहाँ पे वेरियस अवतार के बारे में बात की गई है, यानी जो भगवान विष्णु है उनके 10 अवतारों की यहाँ पे बात की गई है। तो जैसे इमेज के माध्यम से अगर हम देखें, तो यहाँ देखिए सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार, फिर है कूर्मा अवतार, फिर है वराह, ठीक है, यहाँ पे नरसिम्हा है, फिर वामन अवतार है, राम भगवान है, फिर बलराम है, फिर कृष्णा है, फिर परशुराम है, फिर है कल्कि। ठीक है, तो ये रहेंगे 10वां अवतार कल्कि, जिनका अभी जन्म नहीं हुआ है। ऐसे बताया जाता है कि भाई इस संसार में जब बहुत ज्यादा अत्याचार फैल जाएगा, महाकलयुग आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ल्ड है जब वो उसको थ्रेट मिलेगा, यानी वो थ्रेटेंड हो जाएगा और डिस्ट्रक्शन के मोड पे आ जाएगा, तब यहाँ पे क्या है जो 10वें अवतार है कल्कि अवतार जो है ना, उनका उदय होगा, उनका जन्म होगा। तो उसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन उसमें है शायद, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से एविल फोर्सेस जो है बढ़ जाएंगी। तो जो 9 अवतार हैं वो विष्णु भगवान ने ले लिए हैं, और 10वां अवतार अभी होना बाकी है, लेकिन वो कब होगा, इस दुनिया को बचाने के लिए होगा, क्योंकि धीरे धीरे जो है चीजें खराब ही होती जा रही हैं। हम लोग कलयुग की तरफ, मतलब कलयुग तो खैर स्टार्ट हो ही चुका है, लेकिन जैसे जैसे महाकलयुग आ जाएगा, बहुत ज्यादा सर्वनाश होगा इस दुनिया में, तब जो है आपके विष्णु भगवान जो है वो जन्म लेंगे यहाँ पे। और इन ये जो भगवान हैं, इनके जो अवतार हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग इनकी इम्पोर्टेंस पाई गई है, ठीक है, अलग अलग रूपों में उनको पूजा जाता है लोकल एरिया के हिसाब से, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है, विष्णु भगवान को भी कई नामों से लोग अलग अलग जगह पे पूजा करते हैं। जैसे अगर उड़ीसा में देखें तो जगन्नाथ जो भगवान है वो भी विष्णु भगवान के रूप है, अगर आप मथुरा में देखें तो कृष्ण भगवान, वो भी विष्णु भगवान के ही रूप है। तो ऐसे अलग अलग नामों से उनकी पूजा की जाती है, लेकिन गॉड वही एक ही है। आगे देखते हैं यहाँ पे शिव जी के बारे में। तो शिव भगवान जो है इनको सिंबलाइज किया जाता है लिंगा के रूप में, आपने देखा ही होगा हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे देखने को मिला है कि जो शिव भगवान है उन्होंने ह्यूमन, मतलब जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनका भी रूप धारण किया है। तो ऐसे तो खैर देखो, अगर आप श्री कृष्ण भगवान को देखो तो वो भी इस दुनिया में रहे थे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के रूप में। राम जी हैं, उन्होंने भी 14 वर्ष का वनवास जो है वो झेला था, तो ये भी नॉर्मल पर्सन बन के जो है इन्होंने जन्म लिया है यहाँ पे, और ये इन्होंने दुनिया में सर्वाइव किया है, ठीक है, लेकिन ये सब विष्णु भगवान जी के रूप। ऐसे ही जो शिव जी भगवान है वो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जो है उन्होंने सर्वाइव किया है इस दुनिया में। और अगर हम इन भगवानों को देखें तो इनको कैसे सिंबलाइज किया जाता है, देखो इनके क्या है, इनकी जो हेड के ऊपर जो ड्रेसिंग होगी, यानी जिस तरीके से इनके जो पोशाक होगी, उनकी जो ड्रेसिंग होगी, वो सबकी अलग अलग होती है। इनके हाथ में कुछ वेपन्स होंगे, ये किसी चीज पे बैठे होंगे, जैसे आपके जो शिव जी हैं वो किस पे बैठते हैं, वो नंदी जी पे बैठते हैं, जैसे विष्णु भगवान हैं वो गरुण जी पे बैठते हैं, ऐसे ही सबके वाहन होंगे। तो इन वाहनों से, जैसे गणेश जी हैं वो मूसक पे बैठते हैं, तो इन सब वाहनों से क्या है हम उनको पहचानते हैं। ये इनकी कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनके ऑस्पिशियस बहुत ही पवित्र ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इन्होंने हाथ में क्या ले रखा है, ये किस जगह पे बैठे हैं, कैसे पोस्चर में बैठे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। और आगे हम देखें तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई इन सब चीजों का मीनिंग समझने के लिए हमारे हिस्टोरियंस को तो कई सारी कहानियों से फैमिलियर होना पड़ा, बहुत सारी स्टोरीज वगैरह उनको पढ़नी पड़ी जो पुराणों में लिखी गई थी,
जो या तो लोग सुनाते रहे हैं या सुनते आ रहे हैं, तो कुछ चीजें जो ओरली देखी और कुछ चीजें जो रिटर्न के रूप में देखी, और फिर ये पहचाना कि भाई ये जो सारी चीजें करते हैं, जो इनका ड्रेसिंग सेंस होता है, ये कैसे कैसे यहाँ पे डेवलप हुआ, ठीक है। और अगर हम आगे देखें, जैसे फर्स्ट सेंचुरी के आसपास जो है, जो ब्राह्मण्स ने जो स्टोरीज लिखी थी, जो ब्राह्मण्स ने जो पुराणों में कंपाइलेशन किया गया है उसको पढ़ के हमारे हिस्टोरियंस ने जाना, और ऐसे करके यहाँ पे कई सारी जो स्टोरीज हैं वो आगे बढ़ती चली गई ओवर द सेंचुरीज के। और यहाँ पे क्या है, जनरली बताया गया है कि ये सारी चीजें जो हैं ये सांस्कृत वर्सेस में देखी जाती थी, मतलब देखी गई हैं, और इनको पढ़ा भी जाता था बहुत ही ज्यादा लाउड आवाज में, ताकि हर एक व्यक्ति जो है सुन सके। ये श्लोक के माध्यम से, जो श्लोक होते हैं ना उनके माध्यम से यहाँ पे पढ़ा जाता था, ताकि जो है हर व्यक्ति उसको सुन सके बहुत लाउड आवाज में। और यहाँ पे विमेन, जो लेडीज होती थी और जो शूद्र होते थे, उनको यहाँ पे वैदिक लर्निंग करने का कोई अधिकार नहीं था, यानी वेद पुराणों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, इनको अपवित्र माना जाता था। जो शूद्रास होते हैं, जो निचले जाति के लोग होते हैं, जो डिप्रेस्ड क्लासेस होती हैं, उनको शुरू से ही ये प्रताड़ना सहनी पड़ी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, हमारा जो समाज है इनको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, और यहाँ पे औरतों को भी कोई खास ऊंचा दर्जा नहीं प्राप्त था उस समय पे, ठीक है। तो औरतों को भी यहाँ पे पढ़ने का अधिकार नहीं था वैदिक लर्निंग करने का। आगे हम देखें तो जो पुराणास हैं, जो पुराण है ना, वो नॉर्मली इंटरैक्ट, मतलब पुराणों की जो कहानियां हैं वो नॉर्मली इंटरैक्ट हुई हैं पीपल से, नॉर्मल जो दिनचर्या उनकी चलती है, जैसे पुजारी की कहानियां हैं, व्यापारी की कहानियां हैं, कोई स्त्री पुरुष की कहानी है, अलग अलग जगह से जो उनके विश्वास है, जो उनकी अवधारणाएं हैं, उनको ये लोग क्या करते थे, चेंज करते थे प्लेस टू प्लेस, हर जगह क्या है वेरिएशंस हैं, तो उस हिसाब से उनके जो आइडियाज एंड बिलीव्स हैं वो भी बहुत चेंज होते हैं। जैसे यूपी में पूजा करने का रिचुअल अलग है, तो गुजरात में पूजा करने का रिचुअल अलग है, तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ शेयरिंग ऑफ आइडियाज डिफरेंट डिफरेंट पाए गए हैं। तो अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि मथुरा रीजन जो है, ठीक है, मथुरा में जो है कृष्ण भगवान को यहाँ पे मेन डायटी माना जाता है, वासुदेव कृष्ण को यहाँ पे मेन डायटी माना जाता है, लेकिन अगर आप द्वारिका में देखो, अगर आप साउथ में देखो, तो वहां पे भी आपके विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, कृष्ण को अलग अलग रूप में पूजा जाता है। तो यहाँ पे ऐसे करके ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है कृष्ण भगवान की भक्ति फैल गई है अलग अलग रूपों के माध्यम से। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मंदिरों के बारे में, कि मंदिर जो है ये कैसे बनाए गए और कब से बनाए गए। तो जैसे कि हमने देखा था कि बुद्धिज्म धर्म में स्तूपास बनाए जाते थे, जैसे हमें सांची का स्तूपा देखने को मिलता है, वैसे ही हिंदू धर्म में यहाँ पे टेम्पल्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में जो टेम्पल्स बनते थे वहां पे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, सबसे पहले जो उनकी मूर्तियां हैं उसको रख के वहां पे नॉर्मली पूजा की जाती थी। और ये कैसे होते थे, एक स्मॉल स्क्वायर रूम रूम टाइप होते थे, मतलब एक स्क्वायर जो रूम होता है उधर इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता था, यहाँ से गेट होता था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपके जो डाइटी है, आपके जो भगवान है उनकी मूर्ति रखी रहती थी, तो इस तरीके से इसकी पूजा की जाती थी, मतलब यहाँ पे भगवान की पूजा की जाती थी। और इस एरिया को गर्भगृह बोला जाता था, सिंगल डोर वे होता था उसके अंदर, और यहाँ पे वर्शिपर जो है वो एंटर करके और यहाँ पे पूजा करके आ जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या है, टॉल स्ट्रक्चर जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, चीजें थोड़ी और एडवांस हो जाती हैं, और मंदिरों के ऊपर है ना कुछ इस तरीके से यहाँ पे शिखर बनने लग जाते हैं, है ना, ये जो पूरा ऊपर टॉल स्ट्रक्चर बन गया है ना गर्भगृह के ऊपर, इसको शिखर बोला जाता था। तो ऐसे करके यहाँ पे हमें सेंट्रल श्रीन के ऊपर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता था, सेंट्रल श्रीन मतलब जो गर्भगृह है उसके ऊपर। फिर बाद में क्या हुआ, जो दीवारें हुआ करती थी वो भी डेकोरेटेड होने लग गई, वहां पे स्कल्पचर्स बनने लग गए, ठीक है। और वहां पे क्या है, धीरे धीरे जो हॉल थे उनकी बनावट बनने लग गई, और वहां पे क्या है, धीरे धीरे हॉल्स बनने लग गए, ह्यूज वॉल्स एंड गेटवेज बनने लगे, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये पिक्चर देखिए आप, पहले सिर्फ इतना पार्ट हुआ करता था, जो ये वाला दिख रहा है आपको मेन डायटी वाला, जिसको गर्भगृह बोला जाता था, उसके ऊपर यहाँ पे जो है ये शिखर बनने लग गया, उसके आगे फिर इस तरीके से कॉरिडोर्स बनने लग गए, है ना, वरांडा बनने लग गया, उसके ऊपर यहाँ पे ऐसे डिजाइन बनने लग गई, यहाँ से स्टेयर्स बनने लगे। तो कहने का मतलब है कि जो ये टेम्पल हुआ करते थे इनका आकार जो है वो काफी एक्सपैंड होने लग गया, और चीजें जो है थोड़ी और एडवांस होने लगी, वॉल्स वगैरह डेकोरेटेड हो गए, ठीक है। तो और ये जो टेम्पल हमें देखने को मिल रहा है, ये इसके रिमेन्स रह गए, अभी देवगढ़ में है ये, उत्तर प्रदेश के अंदर 5th सेंचुरी के आसपास ये बना था, और इसके अभी इस तरीके से कुछ रिमेन्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे हम देखें तो हमें एक यूनिक फीचर देखने को मिलता है टेम्पल्स का, कि
पहले क्या करते थे कि बड़े बड़े जो स्टोन्स होते थे, बड़े बड़े जो पत्थर होते थे या चट्टाने होती थी, उनको तोड़ के, उनको हॉलो करके, ठीक है, उनको एक तरीके से पूरा खाली करके और उसके अंदर जो है स्ट्रक्चर बनाया जाता था। तो ह्यूज रॉक्स को काट के यहाँ पे जो केव्स वगैरह है उनकी शेप दी जाती थी और उन्हीं को यहाँ पे जो है मंदिर के रूप में पूजा जाता था। तो ये बहुत ही पुराना स्टाइल था इस तरीके से मंदिर बनाने का। इसी का ही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आज की डेट में कैलाशनाथ टेम्पल। देखिए ये वाला जो टेम्पल है ना, ये टेम्पल पूरा रॉक को काट के, उसको हॉलो करके और यहाँ पे इसको बनाया गया है। मतलब पत्थरों को ही काट छांट करके ये शेप दे दी गई है। और यहाँ पे जो है ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ओल्ड ट्रेडिशन के मंदिरों का, जब वो पहले इस तरीके से बनाए जाते थे, है ना। तो आज की डेट में तो भैया ये संभव ही नहीं है, इतनी अच्छी कलाकारी रही है उस समय पे। तो मतलब आज भी हमारे जो हिस्टोरियंस हैं और हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह हैं वो भी ताज्जुब करते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें जो है उस समय पे बनाई जाती थी कि कैसे बना लिया होगा, ऐसे करके क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा। उसके बाद यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, देखो ये भी क्या है, देवगढ़ की है, उत्तर प्रदेश के अंदर 5th सेंचुरी के आसपास। यहाँ पे दे रखा है कि जो विष्णु जी हैं वो किस तरीके से जो शेषनाग है उस पे आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए। उसके बाद आगे हम देखेंगे तो जैसे 3rd सेंचुरी के आसपास हमें जो कुछ इस तरीके से केव लाइक स्ट्रक्चर जो है टेम्पल्स के देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो अशोका थे उन्होंने आजीविका सेक्ट के लिए इस तरीके के मंदिर बनवाए थे। आजीविका सेक्ट कौन से लोग होते हैं, ये बुद्धिज्म और जैनिज्म के समय पे ही ये सेक्ट जो है ये आया था फॉर्म में। और ये लोग जो है पूरी तरीके से कर्मा, है ना, फेटलिस्ट चीजों पे बिलीव करते हैं ये लोग। ये निर्गुण भक्ति को मानते हैं, मतलब ये मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते हैं और कर्मा पे बिलीव करते हैं। तो कुछ बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसा ही ट्रेडिशन है इनका। तो जो अशोका है उन्होंने आजीविका सेक्ट के लिए ऐसे केव लाइक स्ट्रक्चर जो ये टेम्पल्स बनवाए थे उस समय पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में आपको बता ही दिया है कि ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो ओल्ड स्टाइल टेम्पल्स हुआ करते थे उनका। ठीक है, जहाँ पे स्टोन्स को काट काट के और कुछ इस तरीके से शेप देके टेम्पल्स बनाए जाते थे। ये गर्भगृह हो गया, यहाँ पे इसके गेटवे हो गए, तोरण द्वार जिसको बोलते हैं। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस पे ये देखा गया है कि इसके जो चीफ स्कल्पचर रहे हैं ना, जिन्होंने एलोरा गुफाओं को बनाने का जो नक्शा बनाया था, तो जिस तरीके से ये चीजें जो बनाई गई हैं, तो ये बाद में जो है एक अमेजमेंट लेकर आती हैं। यानी ये क्वेश्चन अराइज करती है कि भाई ये मैंने कैसे बनाया, इस तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। स्टोन्स को काट के मंदिर बनाना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है कि कैसे बराबर एक जगह है बिहार के अंदर, वहाँ पे 3rd सेंचुरी में ये केव का जो एंट्रेंस गेट है ना ये दिखाया गया है यहाँ पे, देखिए। और यहाँ पे हमने ये देख ही लिए हैं स्कल्पचर्स वगैरह। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे, जो भी इसका पार्ट रह गया है। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और अपनी एनसीईआरटी बुक के साथ आपको एक रीडिंग जरूर लगानी है, लाइन वाइज उसको पढ़ना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।